पहली गेंद पर चौका और इस बार क्या ये विकेट है, सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है और शायद ये सफलता मिल चुकी है। असगर खान का यहां पर विकेट का पतन, असगर खान इज आउट। लुक एट द सेलिब्रेशन, असगर खान इनसे बहुत उम्मीदें थी, 12/27 एक चौका लगाया और 7 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे अरमान, अगर असगर की बात करें, लेकिन क्या कसी हुई गेंदबाजी, घूम कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर न लगी, दोनों पैरों के बीच में से निकली, एक डायरेक्शन बनाई और सीधा बेल्स को छू गई। 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में 23 की जरूरत है और आदित्य ओझा का सामना करेंगे नए बल्लेबाज सुशील सिंह। और पहली ही गेंद पर सेट होने का मौका ही नहीं दिया, सुशील सिंह का भी विकेट मिलता हुआ, 1 more wicket, 65 के स्कोर पर विकेट नंबर 6, दिशोम्बी आईपीएल विकेट नंबर 6। समझ ही नहीं पाए, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे और पूरी तरह से चूके वहां पर सुशील। आदित्य ओझा 2 विकेट्स लगातार और दोनों ही बोल्ड के रूप में। यह हैट्रिक की गेंद, ऑन हैट्रिक बॉल है, यहां पर लगभग गेंद स्टंप्स को छू कर निकलती हुई ऐसा कहेंगे। ये ओवर की अगली गेंद 67 स्कोर और दरमियान एक और विकेट गिरता हुआ, 67 के स्कोर पर 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर भोजपुरी जवान्स को एक और बड़ा नुकसान। 3 विकेट इस ओवर में आए, मात्र 6 रन देकर आदित्य ओझा ने 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ लौटा दिया। एक और बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर खेलना चाहता था और फिर से वही नतीजा सामने आया, एक और बल्लेबाज बोल्ड के रूप में आउट होकर पवेलियन की तरफ। हैट्रिक तो नहीं, ओवर हैट्रिक तो मिली अरमान, और क्या वापसी की, गजब की वापसी, प्रदीप यादव, नीलेश पांडे, आदित्य ओझा, ये है कप्तानी।